राजस्थान के सिकार डिस्ट्रिक्ट के खंडेला तहसील में एक यूरेनियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये करीब 12 मिलियन टन का रिजर्व है, मतलब इस रिजर्व में 12 मिलियन टन यूरेनियम है। यूरेनियम एक बहुत ही रेयर मेटल है जो आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए राजस्थान जो है अब तीसरे नंबर पे आ गया है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद। यानी कि झारखंड और आंध्र प्रदेश में अभी तक यूरेनियम के बड़े रिजर्व थे, अब राजस्थान में मिल गया है 12 मिलियन टन का रिजर्व, इसीलिए राजस्थान जो है अब तीसरे नंबर पे आ गया है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद। राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, और जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी इसके साथ, तो जल्दी से जो एक्सकेवेशन है वो चालू हो जाएगा, माइनिंग जो है वो चालू हो जाएगी और यूरेनियम यहाँ से भी प्रोड्यूस किया जाएगा। उससे बोला गया है कि 3000 करोड़ का फायदा होगा, यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और इस कारण से 3000 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी सेटअप करी जाएगी। इंडिया में झारखंड में जादूगोड़ा माइन जो है, ये आपने नाम सुना होगा, ये जादूगोड़ा माइन यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम का जो रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब तीसरे नंबर पर आ गया है राजस्थान। अब देखो यूरेनियम के जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा है और ये एक रेयर मेटल है जैसा कि मैंने बताया था, तो इसका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होता है, फोटोज़ के लिए भी होता है। फोटोज़ में जब कैमरा जो होता है उससे जो फोटोज़ निकाले जाते हैं उन फोटोज़ में, तस्वीरों में टोनर का काम ये करता है यूरेनियम। डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी यूरेनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ है और मेडिसिन्स में भी यूरेनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो काफ़ी सारे यूज़ यूरेनियम के हैं। लेकिन ये जो मिनरल है ये पाया बहुत कम जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है कजाकिस्तान में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड लेवल पे इन तीनों जगहों पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा पाया गया है और इंडिया में राजस्थान अब तीसरे नंबर पे है, बाकी झारखंड और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा रिजर्व पाए गए हैं। अब राजस्थान में काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मेनली वहाँ पर पाया जाता है कॉपर, और कॉपर के लिए एक माइन वहाँ बहुत फेमस है, खेतरी माइंस नाम है इसका, ये कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल में कॉपर आएगा, जिंक आएगा, लेड आएगा, जिप्सम, लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट, उसके बाद वहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। करीब 90% मिनरल रिजर्व बोला जाता है राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं जिनमें से इम्पॉर्टेंट है कॉपर, अब तो फिलहाल यूरेनियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिंक, लेड, ये सब सब राजस्थान में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।